नमस्कार, सुस्वागतम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और अपने अपने कार्यों में मस्त होंगे। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का ज्योतिष मिराकल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अपना ज्योतिष मिराकल का परिवार 1,00,000 सदस्यों को पूरा कर गया है। आप सभी भक्तों के इतने विश्वास, आप सभी भक्तों के इतने प्यार के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। परिवार बढ़ता है, जिम्मेवारियां बढ़ती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, आपकी उम्मीदें भी बढ़ती हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी, अच्छी अच्छी विषय वस्तु लेकर के आते रहें। हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी भक्त जो भी प्रश्न हमसे पूछते हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी हम आपको जल्द से जल्द दे सकें। और आपके लिए ऐसे ज्योतिषीय उपाय हम लेकर के आए जो आप आसानी से कर सकें और आपको ज्यादा से ज्यादा उन उपायों के करने का फल मिले। तो इसी तरह से अपना विश्वास और प्यार सदा ज्योतिष मिराकल परिवार के साथ बना करके रखें। हमारा जो मेन चैनल है पंडित नितिन शास्त्री, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। वहां पर भी रोजाना एक न्यू वीडियो रात्रि 9 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए देवी भगवती को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय कारामा शेरों वाली जी दा बोल, साचे दरबार की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी के सामने आज के नए दिव्य प्रयोग के साथ। अक्सर हमारे पास जो सबसे ज्यादा प्रश्न, जो सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं वो दुकानदारी को लेकर, व्यापार को लेकर, बिजनेस से जुड़े हुए आते हैं। बहुत सारे भक्तों के प्रश्न होते हैं कि शास्त्री जी, हमारी दुकान नहीं चल रही या हमारा व्यापार पहले अच्छा चलता था, अभी कुछ समय से हमारा व्यापार एकदम डाउन जा रहा है। हम सभी को आशा होती है, हम सभी को उम्मीद होती है कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट मिलता रहे, हमारे परिवार का गुजारा अच्छा चलता रहे, हमारी इनकम अच्छी निकलती रहे। लेकिन कई बार अच्छी खासी चलती हुई दुकानदारी डाउन होने लगती है, कई बार हमारा अच्छा खासा चलता हुआ काम कम होने लगता है। ऐसे में तनाव होना या चिंता बढ़ना स्वाभाविक होता है, क्योंकि जो हमारे परिवार की इनकम का सोर्स है, जो हमारे परिवार की गुजारे का साधन है, अगर वो ही सही नहीं चलेगा तो हमारे परिवार की व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी और कहीं ना कहीं टेंशन बढ़नी स्वाभाविक है। तो चिंता मत करें, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है समस्याएं हैं समाधान भी हैं, ग्रह अगर खराब है तो उनके निदान भी हैं। कमेंट में माता रानी के नाम का जयकारा जरूर लगा देंगे, जय माता की। तो प्यारे बंधुजनों, अगर आपका व्यापार भी डाउन जा रहा है या अगर आपकी दुकान है वो नहीं चल रही, तो हो सकता है आपकी दुकान में नेगेटिविटी या जिसको नकारात्मकता बोलते हैं वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बन रही है, जिसके कारण आपकी दुकान का काम डाउन जा रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी दुकान का जो है, आपकी दुकान में नजर का दोष बन रहा है। ऐसा होता है जब दुकान में नजर का दोष बनता है तो दुकान का काम एकदम से बिल्कुल कम हो जाता है। हफ्ते में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन आपकी सेल बहुत ज्यादा होगी, लेकिन हफ्ते के 6 दिन काम बिल्कुल खत्म। इस चीज से पता लगता है कि दुकान में नजर का दोष बन रहा है।
अगर आपकी दुकान में भी ऐसा ही होता है तो आपकी दुकान में नकारात्मकता तो है ही है, साथ में नजर का दोष आपकी दुकान पर है जिसके कारण आपकी दुकानदारी प्रभावित हो रही है। अब जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय का प्रयोग करके आप अपनी दुकान की नजर को समाप्त कर सकते हैं। अगर आपकी दुकान में नेगेटिविटी नकारात्मकता का दोष बन रहा है उसको भी आप तुरंत प्रभाव से समाप्त कर लेंगे इस टोटके को करने के बाद। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एपिसोड को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि जब आप एपिसोड को शेयर करते हैं आगे अन्य लोगों को भेजते हैं, अपने रिश्तेदार मित्र प्यारे भाई बहन, तो उन लोगों तक भी एपिसोड पहुंचता है, कर भला सो हो भला। तो चलिए अब आज के उपाय से मैं आपको रूबरू करवाता हूं। आपने सफेद नमक लेना है जो भोजन में प्रयोग करते हैं। सफेद नमक लेकर के आपने अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड दाएं हाथ बाएं हाथ दोनों मुट्ठियों में थोड़ा थोड़ा नमक ऐसे पकड़ करके रखना है। आपने जाना है अपनी दुकान के वॉशरूम में, जहां पर आपकी दुकान में टॉयलेट बना हुआ है वहां पर आपने जाना है और नमक को ऐसे पकड़ करके रखना है। या फिर अगर आपकी दुकान में टॉयलेट नहीं है, हाथ धोने के लिए वॉश बेसन होगा वहां पर आपने जाना है, दोनों में से कहीं पर भी आप कर सकते हैं। आपने वहां पर खड़े होकर ऐसे नमक को कम से कम 5 मिनट तक हाथ की मुट्ठियों में रखना है। 5 मिनट के बाद आपने उस नमक को, अगर वॉश बेसन है तो वॉश बेसन में ऐसे मुठिया झाड़ देनी है, अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट में ऐसे नमक को झाड़ देना है। उसके बाद अगर तो वॉश बेसन है ऊपर से आप नल चला दें, या अगर टॉयलेट है तो ऊपर से फ्लश कर दें। ये काम आपने करना है, बड़े से बड़ा नेगेटिविटी या नजर का दोष आपकी दुकान में अगर बन रहा था, इस उपाय के करने से वो सारे दोष समाप्त होंगे, आपका दुकान का काम भगवान की कृपा से अच्छा चलने लगेगा। बात करते हैं उपाय को करना किस दिन है। इस उपाय को केवल और केवल सैटरडे यानी शनिवार को शाम के टाइम, ध्यान से सुन ले, काफी भक्तों के बाद में प्रश्न रह जाते हैं, सैटरडे को शनिवार को शाम के समय आपने इस उपाय को करना है। केवल एक ही शनिवार करना है, आपकी दुकान अच्छी चलने लगेगी। आशा करता हूं जानकारी पसंद आई। अगर आपका कोई प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय माता की।